हे गाइस, वेलकम टू कप कोडिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरेज एंड स्ट्रिंग सीरीज का एक नया क्वेश्चन जिसका नाम है ऑर्डरली क्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें गिवन होगी एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर गिवन होगा के। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म अलाउ है जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि हम स्टार्ट उस जो स्ट्रिंग गिवन है ना उसके स्टार्टिंग के एलिमेंट्स में से, के कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर उठा के एंड में पुट कर सकते हैं। और हम ये ऑपरेशन बहुत बार परफॉर्म भी कर सकते हैं, हमें मतलब कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इन ऑपरेशंस की मदद से हम कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यू कुड हैव एवर, यू कुड हैव आफ्टर अप्लाइंग द मेंशन स्टेप्स एनी नंबर ऑफ मूव्स। तो लेट्स फिर डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे पास एक स्ट्रिंग है सपोज एस, ठीक है, ये है लेट्स से ए बी ए सी डी, ये मेरी स्ट्रिंग है। मान लो कि मेरे पास दिया है टू, तो ये क्या बोल रहा है कि मैं स्टार्टिंग के दो किसी कैरेक्टर में से स्टार्टिंग दो कैरेक्टर्स में से किसी को भी एक को उठा के एंड में पुट कर सकती हूँ। तो मैंने मान लो मैंने उठाया बी, है ना, मैंने उठाया बी, सॉरी मैंने उठाया ए, मैंने जब ए उठाया तो ये हो गया मेरे पास बी ए सी डी ए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे उठाया ए, दोनों में से एक उठाना है, मैंने उठा लिया ए, ये हो गया बी सी डी ए ए। ठीक, फिर इन दोनों में से मैंने एक उठाया, मैंने उठा लिया मान लो बी, तो ये बन गया सी डी ए ए बी। फिर इन दोनों में से मैंने एक उठाया, मैंने उठाया सी, तो ये बन गया सी डी ए ए बी सी। फिर मैंने उठा लिया डी, तो ये बन गया ए ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखो लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मेरे पास आई ए, इससे कम तो कोई आ ही नहीं रही है क्योंकि एक बार परफॉर्म करा तो ये बात ही आ रही है। तो इसमें देखो ए आ रहा है, ए आ रहा है, फिर उसके बाद बी उससे बड़ा आ रहा है, फिर सी आ रहा है, मतलब ये सॉर्टेड आ रही है हमारी, मतलब सॉर्टेड क्या, ये मतलब हमारी सबसे स्मॉलेस्ट आ रही है। तो मतलब हमें यहाँ पे इसे क्या पता चला कि हमारा आंसर जो है वो स्ट्रिंग का सॉर्टेड, हमारी स्ट्रिंग है ना वही सॉर्टेड हमारी आंसर होगा। मतलब हमारे पास क्या आंसर बन सकता है, सॉर्टेड आंसर बन, मतलब हमारी सॉर्टेड स्ट्रिंग ही हमारी आंसर होगी। ठीक है, अब हम लेकिन ये हर केस में नहीं होगा। अब देखो मैं दूसरा केस बताती हूँ जहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग मेरे पास एस डी ए बी सी ए के बराबर, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, के मेरे पास वन है, मैं सिर्फ ए की किसी एलिमेंट को उठा सकती हूँ। मैंने मान लो बी को उठाया, पीछे प्लेस किया, सी ए बी हो गया, फिर मैंने मान लो बी सी ए नहीं है मेरी, है कुछ बी ए सी है, बी ए सी, बी को उठाया पीछे प्लेस किया बना ए सी बी, ए सी बी बना, ए को उठाया पीछे प्लेस किया बना सी बी ए। फिर से अगर मैं परफॉर्म करूंगी तो मेरे पास बनेगा बी ए सी, जो कि मेरा इनिशियल मतलब इनिशियल स्ट्रिंग के इक्वल ही। तो मतलब अगर मैं यहाँ से और भी ऑपरेशन फिर से बी को पीछे उठा के रखूंगी तो ये फिर से मेरे पास आ जाएगा ए सी बी के बराबर। मतलब यहाँ से फिर रोटेशन सेम रोटेशन परफॉर्म होते जाएंगे बार बार। तो मेरे पास लेक्सिकोग्राफिकली तो मेरे पास आया ए सी बी। तो यहाँ पे देखो बी एस सी का सॉर्टेड होता ए बी सी, लेकिन मेरे पास आंसर क्या आया ए सी बी। तो मतलब हर केस में ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सॉर्टेड आंसर आएगा, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर केस इक्वल टू वन ही ऐसा केस है जहाँ पे मेरा आंसर सॉर्टेड के अलावा दूसरा आता है। लेकिन जो जब भी मेरे पास k की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी ना तब मेरे पास आंसर सॉर्टेड ही आएगा। ठीक है, तो हमें पता तो चल गया आंसर क्या होगा कि k होगा तब क्या होगा, k इज इक्वल टू वन क्या वन होगा तब क्या आंसर होगा, k इज इक्वल टू k ग्रेटर देन वन होगा तब क्या आंसर होगा। तो जब हमारा k वन के बराबर होगा तो होगा ना, तो जैसे देखो मैं ब्रूट फोर्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले मेरी ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है, ब्रूट फोर्स क्या होगी मेरी कि देखो मेरे पास ए बी सी ए डी, ये मेरे पास स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास k इज इक्वल टू टू है, तो ब्रूट फोर्स k इज इक्वल टू थ्री है, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स क्या हो सकती है। सबसे पहले तो मैं a को मान लूंगी, a को उठा के पीछे रख दूंगी, तो मेरे पास आएगा b c a d a। फिर मैंने b को उठा के पीछे रख दिया तो आएगा मेरे पास a c a d b। फिर मैंने c को उठा के पीछे रख दिया तो मेरे पास क्या आया b a d b, सॉरी a b a d c, है ना। फिर इसके लिए भी और आंसर बनेंगे, इसके लिए भी और आंसर बनेंगे, इसके लिए भी मेरे पास तीन और चॉइसेस, इसके लिए भी तीन और चॉइसेस, इसके लिए भी तीन और चॉइसेस है। आया मेरा क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, के के मूव्स के लिए, ओ ऑफ एन होगी स्ट्रिंग साइज के लिए, है ना, एन जो है मेरा स्ट्रिंग का लेंथ है। और फिर उन सब जितने भी आंसर आएंगे ना उनमें से मुझे मिनिमम देखना पड़ेगी लेक्सिकोग्राफिकली, तो मेरे पास फिर से ओ ऑफ एन का टाइम लगेगा। तो ये मेरी ब्रूट फोर्स है, ये हम यूज तो करेंगे लेकिन तभी यूज करेंगे जब हमारा के वन के बराबर होगा, क्योंकि तब हमें रोटेशंस परफॉर्म कर करके देखनी है, रोटेशंस परफॉर्म करके देखनी है, मतलब कि हमें जो हमारी वो है ना स्ट्रिंग उसमें से एक कैरेक्टर को हम उठाएंगे फिर पीछे लगाएंगे, फिर एक को उठाएंगे फिर पीछे लगाएंगे, मतलब हम एक को उठाएंगे फिर पीछे लगाएंगे। मतलब इसी में देख लो अगर मेरे पास के वन होता तो मैं ए बी सी ए डी,
इसमें से एक को उठाती, फिर पीछे लगाती, बी सी ए डी आंसर आता, फिर इसको इससे चेक करती क्या ये वाली मेरी छोटी है, तो अभी मैं आंसर को अपडेट करके यहाँ पे ये वाली मेरी आंसर आती, ठीक है, लेकिन ये इससे छोटी नहीं है। फिर मैंने बी को उठा के पीछे रखा, आता मेरे पास सी ए डी ए बी, फिर से मैं सी को उठा के पीछे रखती ए डी ए बी सी, है ना। तो मतलब मैं यहाँ पे मैं उठा उठा के पीछे देखती जा रही हूँ और कंपेयर करती जा रही हूँ, तो है ना, हर एक बार हर एक एलिमेंट हर एक कैरेक्टर को उठा के बार बार पीछे रखती जा रही हूँ, फिर कंपेयर करती जा रही हूँ कि मेरे पास कौन सी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आएगी। जब तक सबसे स्मॉलेस्ट नहीं आएगी ना, तब तक हम कंपेयर करते जाएंगे, मतलब चलाते जाएंगे। तो ये ब्रूट फोर्स का मैं यूज में करूंगी जब के मेरा 1 के बराबर होगा। अब और हमें ये पता चला कि जब हमारा के ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा आंसर हमेशा सॉर्टेड स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है, सॉर्टेड स्ट्रिंग होगी, पर हमारी जो स्ट्रिंग थी उसका सॉर्टेड ही सॉर्टेड स्ट्रिंग ही हमारी आंसर होगी। अब हमने डिस्कस करना है कि हमने व्हाट का डिस्कस कर लिया कि क्या आंसर होगा, अब हमको डिस्कस करना है व्हाई, लाइक हाउ, कैसे, क्या मतलब, हम हाउ का मतलब यहाँ पे ये है कि कैसे जरूरी है, मतलब क्या, मतलब कैसे हमारा सॉर्टेड आंसर हमें ये मूव सॉर्टेड आंसर देंगे कैसे, ये हमें कैसे पता। तो मान लो जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे सबसे पहली चीज की इफ दिस ऑपरेशन, इफ आई कैन स्वैप टू कैरेक्टर्स, मतलब कि अगर इस ऑपरेशन की मदद से अगर कोई दो कैरेक्टर स्वैप हो जाते हैं ना, अगर किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स को भी हम स्वैप कर सकते हैं, मतलब कि हम कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हैं, और हम मतलब जहाँ पे स्वैपिंग हो सकती है वहां पे सॉर्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट में देखा ना हमने, इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को मतलब एलिमेंट्स को सॉर्ट स्वैप करते हैं, स्वैप करते करते हम सॉर्टिंग तक पहुंच जाते हैं। ऐसे देखो मेरे पास मान लो ये वाली स्ट्रिंग होती ए बी डी ई डी सी डी ए बी, ठीक है, तो हमें इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले मैं देखती ना कि अगर सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या हम स्वैप कर सकते कि नहीं, लेकिन अगर मुझे इसको आंसर हमारे लेक्सिकोग्राफिकल सबसे स्मॉलेस्ट लाना होता तो मैं क्या करती, सबसे पहले इस बी को उठा सॉरी इस बी को उठाती, इस ए के साथ स्वैप करती, मेरे पास आता ए ए सी डी ई बी बी, ठीक, फिर इस सी को उठाती इस बी के साथ स्वैप करती, मेरे पास आता ए ए बी डी ई सी बी, फिर अब मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इस डी को उठाती इस बी के साथ स्वैप करती, आता मेरे पास ए ए बी बी ई सी डी, फिर इस ई को उठाती इस डी के साथ स्वैप करती, मेरे पास आ जाता ए ए ए बी बी डी सी ई, है ना, ये मेरे पास आ गए लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे मैंने देख, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मतलब सॉर्ट करके मतलब स्वैपिंग कर करके हम सॉर्टेड आंसर लेके आ सकते हैं। तो अब मुझे देखना क्या मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर करके दो एलिमेंट्स के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म कर सकती हूँ, स्वैपिंग हो सकती है क्या मेरी। तो अब देखो डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखो मान लो मेरे पास है एक स्ट्रिंग सी डी ए बी पी, ठीक है, के मेरे पास गिवन है 2, मान लो मुझे मैंने मतलब मैंने ऐसा मेरा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सी और डी को स्वैप करूँ, सी और डी को स्वैप करूँ, और मेरा अब आंसर क्या आना चाहिए, स्वैप करने के बाद मेरा आंसर आएगा डी सी ए बी पी, तो मैं देखूंगी क्या मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर करके क्या मैं दो नंबर्स को स्वैप स्वैप कर पा रही हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले मेरे पास के इज इक्वल टू 2 है, मेरे पास है सी डी ए बी पी, सी डी ए बी पी ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने इन दोनों में से पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म करा, इन दोनों में से एक को उठाया पीछे रख दिया, अब एक मैं देखती हूँ कौन सा उठाना है मुझे चाहिए डी सी ए बी पी, मैंने उठाया डी को पीछे रख दिया, ठीक है, तो मेरे पास आया सी ए बी पी डी, ठीक है, इन दोनों में से मैंने एक को उठाया मुझे चाहिए डी सी ए, तो मैंने सी को पीछे रख दिया, तो मेरे पास आया ए बी पी डी सी, है ना, ए बी पी डी सी, फिर इन दोनों में से मैंने एक को उठाया पीछे रख दिया, ठीक है, डी सी मैंने उठाया ए को मैंने पीछे रख दिया बी पी डी सी ए, तो डी सी ए तक तो अटेंड हो गया मेरे पास, है ना, आंसर ऑप्टेन हो गया मेरे पास डी सी ए तक का, मतलब पीछे डी सी ए तो आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, इन दोनों में से एक को उठाऊंगी, तो मैंने क्या करा पी को उठाया, यहाँ पे आएगा मेरे पास बी डी सी ए पी, हमारा आंसर क्या मुझे अचीवेबल आंसर मिल गया, सॉरी मैंने बी को उठाया, अभी मैंने क्या किया डी हमें चाहिए डी सी ए बी पी, तो डी सी ए बी, हाँ सॉरी मैंने उठाया बी को, यहाँ पे मैंने इरेज करती हूँ एक बार इसको इसको वापस करते परफॉर्म, मैंने यहाँ पे उठाया बी को, तो ये मेरे पास आया डी सी ए
बी और पी यहाँ पे ही था आ गया, ठीक है। फिर अब मैंने फिर से पी को उठाया, मेरे पास आ गया डी सी ए बी पी, जो जो कि अब मेरा है अचीवेबल आंसर के बराबर, मतलब जो हमें आंसर चाहिए था, हमें चाहिए था कि हम डी और सी को क्या स्वैप कर सकते हैं इन मूव्स की मदद से। हाँ यहाँ पे हम स्वैपिंग कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है तो यहाँ पे सॉर्टिंग भी होगी, ये तो हमें पता चल गया। मैंने केस फिर से बदला, अब मैं चाहती हूँ सी और बी को स्वैप करना। अगर मैं सी और बी को स्वैप करना चाहती हूँ तो मेरा आंसर होना चाहिए मेरे पास सी बी डी ए सी बी, ठीक है। मैं अब चाहती हूँ सी और बी को स्वैप करना, ठीक। के मेरे पास टू है, अब हमारे यहाँ पे सी डी ए बी पी में से मैंने क्या किया, बी बी डी ए सी पी चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया सी डी में से एक को उठाया, मैंने उठाया सी डी में से, मुझे चाहिए बी डी ए सी पी, है ना, बी डी ए सी पी चाहिए, तो मैंने सी को उठाया, सॉरी डी को उठाया सबसे पहले, है ना। तो मेरे पास होगा सी ए बी पी डी, डी को उठाया पीछे रखा, दोनों में से ए को उठाया पीछे रखा, तो सी बी पी डी ए, ठीक है। सी को उठाया पीछे रखा तो मेरे पास बना बी पी डी ए सी, ठीक। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैंने उठाया पी को पीछे रखा तो मेरे पास आएगा बी डी ए सी पी, आ गया मेरा आंसर, हो गया, मतलब मेरा बी और डी जो है स्वैप हो गए ना, मतलब कि चार मूव लगे और हमारा बी बी और डी स्वैप हो गए, है ना। तो ऐसे मान लो मेरे पास क्या होता, एक स्ट्रिंग होती ए बी सी ए डी, है ना, मुझे इसको शॉर्ट करना होता, ये वाली स्ट्रिंग शॉर्ट कर होती तो मतलब मैं क्या होता, मैं कुछ मूव्स परफॉर्म करके ए ए को शॉर्ट कर लेती, तो मेरे पास ए ए ए ए सी बी डी रहता, है ना। फिर मेरे पास मान लो कुछ मूव्स लगते, फिर मैं सी और बी को भी शॉर्ट सी और बी को भी स्वैप कर लेती, तो मेरे पास ए ए बी सी डी आ जाता, आ जाती ना मेरे पास सॉर्टेड स्ट्रिंग मूव्स की मदद से, है ना, मतलब इसकी सॉर्टेड स्ट्रिंग आ जाती ना, और मेरे पास जो कि मेरा सॉर्टेड स्ट्रिंग तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आंसर है ही सही, तो पता चल गया ना हमें कि अगर दो नंबर सॉरी दो कैरेक्टर स्वैप हो पा रहे हैं ना, तो हम उनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, और सॉर्ट कर सकते हैं तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमें के इज इक्वल टू ग्रेटर देन टू के लिए हमें पता चल गया कि ये जो है मूव्स हमारा सॉर्टेड आंसर परफॉर्म कर सकते हैं, और जब ये सॉर्टेड आंसर परफॉर्म कर सकते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, सॉर्टेड स्ट्रिंग ही होगी, तो हमारा के ग्रेटर देन वन के लिए हम रिटर्न कराएंगे हमेशा सॉर्टेड स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है उसी का सॉर्टेड वर्जन। और के इज इक्वल टू वन के लिए हम देखते हैं अब क्या करेंगे, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी ए डी का, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक एक को पीछे उठा के देखूंगी, है ना, सबसे पहले ए तो मेरा वही है बी सी ए डी ए, फिर मैंने फिर से एक और परफॉर्म किया सी ए डी ए बी, फिर एक और बार किया तो ये हो गया ए डी ए बी सी, फिर एक और बार किया तो ये मेरे पास हो गया डी ए बी सी ए, है ना। मतलब तो इनमें से देखते जाऊंगा मैं हर बार वन के लिए क्या करूंगी, जब मेरा के वन के बराबर होगा हर बार मैं एक एक मूव परफॉर्म करूंगी, एक एक कैरेक्टर को उठा के पीछे अपॉइंट करते करते देखती जाऊंगी, और एक आंसर रख लूंगी मैं, ठीक है, एक आंसर रख लूंगी जो इनिशियली तो मेरे स्ट्रिंग के बराबर होगा, फिर मैं इस स्ट्रिंग से इसको कंपेयर करूंगी, जो दोनों में से छोटा होगा उसमें आंसर को अपडेट कर दूंगी, अभी तो दोनों में से छोटा मेरे पास क्या है ए बी सी ए डी, है ना, फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगी, इन फिर इसको और इसको कंपेयर करूंगी, सॉरी इन दोनों के लिए इसको और इसको कंपेयर करूंगी, जो मेरा मतलब अभी तक जो मेरा आंसर था उसको कंपेयर, अभी तक की जो मेरी सबसे स्मॉलेस्ट थी उससे, फिर एक रोटेशन फिर एक मूव परफॉर्म कराया फिर उसको मैच किया, दोनों कंपेयर किया, अभी मेरा आंसर ए बी सी ए डी के बराबर है, इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे ए ए मैच कर रहे हैं, पर डी और बी में से जो बी है वो छोटा है, तो हमें अभी भी मेरा आंसर यही है। फिर से हम यहाँ पे आया तो डी तो ऑब्वियसली बड़ा है ऐसे, तो हमारा आंसर यही रहेगा, फिर से एक और मूव परफॉर्म किया, हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से एक मूव परफॉर्म किया ए बी सी ए डी के बराबर, तो ये हमारी फिर से उसी के ए बी सी ए डी के बराबर आ गया आंसर। तो हमारा आंसर इस जब के इज इक्वल टू वन होगा तो हम क्या करेंगे, बार बार रोटेट कर करके देखेंगे, है ना, बार बार मतलब स्वैप कर करके देखेंगे, और जो सबसे छोटी आएगी वही हमारा आंसर होगी, ठीक है, ओके। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग जो आ रही है उसको हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कैर ए आर आर इज इक्वल टू एस डॉट टू कैर एरे, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लिया, अब हम चेक करेंगे इफ माई के इज ग्रेटर देन वन
then return the sorted string. Then sort the character array dot sort arr and then return convert into इसको फिर से अगेन कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न करा देंगे, सॉरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज एल्स केस क्या होगा, एल्स केस में हमारा जब k1 के बराबर, तो जब मेरा k1 के बराबर होगा ना तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो एक मैंने स्ट्रिंग आंसर बनाया, यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू सॉरी s स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू s, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक स्ट्रिंग के हर एक मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक बार रोटेशन करके देखेंगे, एक एक बार मूव परफॉर्म करके देखेंगे और उसको हमारे आंसर से कंपेयर कराते जाएंगे, ठीक है। अगर जो छोटा होगा उसको हमारे आंसर में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो फिर से छोटे से हमारा फिर से जो नया मूव परफॉर्म होगा फिर से हमारे छोटे वाले आंसर से फिर से उसको कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा उसमें हमारा आंसर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। ये कर लिया हमने, अब इसके बाद क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर के लिए एक बार रोटेट एरे फंक्शन कॉल कर देंगे। हम इस फंक्शन को अभी लिखने वाले हैं जो हमारी एरे को एक बार मतलब एक नंबर से शिफ्ट कर देगा, ठीक है, रोटेट कर देगा एक बार, ठीक है। अब रोटेट कर दिया, हमारे पास आ गई एरे, हमने क्या किया आंसर, हमने एक डिफरेंस निकाला, क्योंकि अगर जो हम एक कंपेयर टू मेथड यूज करने वाले हैं जो हमें डिफरेंस बताएगा, जो हमारे इंटीजर वैल्यू देता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर डॉट कंपेयर टू ए आर आर स्ट्रिंग की स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ए आर आर, मतलब हमारी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखा और उसका उसको आंसर से कंपेयर करा। अगर ये डिफरेंस हमारा 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर जो था, हमारी आंसर स्ट्रिंग थी वो बड़ी थी लेक्सिकोग्राफिकली हमारे एरे से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को अपडेट कर देंगे हमारी एरे की स्ट्रिंग वैल्यू से, ठीक है, ओके। और यहां पे रिटर्न करा देंगे आंसर, ठीक। अब यहाँ पे लिखा मैंने रोटेट एरे फंक्शन, तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर को मैंने स्टोर करा दिया, कैट इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ जीरो, फिर क्या करा, फिर एक फोर लूप चलाया आई इज इक्वल टू वन जीरो से लेके आई प्लस प्लस, करेंगे ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस वन, और लास्ट फर्स्ट वाले कैरेक्टर को लास्ट में पेंट कर देंगे ए आर ऑफ ए आर आर डॉट लेंथ माइनस वन इज इक्वल टू टी, और अब इसको रन करा के देखते हैं। एरेज डॉट सॉर्ट ए आर आर string is together array, शायद arrays dot sort होगा, arrays dot sort, okay successful। और अब इसको submit करके देखते हैं, submitted। So I was able to make it clear to you guys। I hope you like this video, and if you like this video please like, share and comment, and thanks for watching।